अच्छा बेटे, ये जो है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है सम मेजर इकोसिस्टम। चैप्टर 12 का नाम है सम मेजर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन और उसके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंडेंट है, फूड के लिए, एनर्जी के लिए। और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जितनी भी है उसकी, उस पर भी डिपेंडेंट है। जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको क्या चाहिए? नॉन लिविंग चीज। पानी चाहिए, नॉन लिविंग है। ऑक्सीजन चाहिए, नॉन लिविंग है। प्लांट्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नॉन लिविंग है। सोइल है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस है। तो इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स विद ईच अदर विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट ऑल्सो, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। फिर अगर हम बात करें लाइफ इन फ्रेश वाटर, मतलब जानदार जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर से मुराद है वो पानी जो पीने वाला पानी है जिसमें सॉल्ट का अमाउंट कम है। ये जो फ्रेश वाटर है ये बहुत छोटा एरिया है अर्थ का, लेकिन उसमें जो पाए जाते हैं पौधे और जानवर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये पानी जो है फ्रेश वाटर, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं लेंटिक वाटर, एक को कहते हैं लोटिक वाटर। लेंटिक वाटर जो है ये रुका हुआ पानी है, इट इज स्टेगनेंट वाटर। रुका हुआ पानी है इसको कहते हैं लेंटिक वाटर। स्टेगनेंट वाटर जो है रुके हुए पानी को कहते हैं, जैसे पॉन्ड का, जैसे लेक्स का, ये लेंटिक है। लोटिक वाटर क्या है? रनिंग वाटर, जो वाटर बह रहा है, चल रहा है, जैसे स्प्रिंग का, जैसे रिवर का, जैसे स्ट्रीम्स का, झरनों का पानी। तो दो तरह का पानी है, रुका हुआ पानी लेंटिक, बहता हुआ पानी लोटिक वाटर। इसके अलावा पॉन्ड इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम जो किसी पॉन्ड में फॉर्म हुआ है। पॉन्ड जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं यूं कि ये एक शेलो, मतलब ज्यादा गहरी जगह नहीं है। स्टैंडिंग एंड फ्रेश वाटर मतलब रुका हुआ पानी है और फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब पी सकते हैं आप इसको, जिसमें एक जोन है उसका नाम है लिटोरल जोन, जो वो बहुत बड़ा होता है, और इसमें जो लिमेटिक जोन है वो छोटा होता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स भी मौजूद हैं। ये पॉन्ड इकोसिस्टम जो है ये बनाया जा सकता है या बन सकता है। बिलफर्स कोई डैम है बहुत बड़ा सा, उसमें से पानी लीक हो रहा है और पानी जमा हो गया कहीं। अब वो जगह जो है वो किसमें डेवलप हो जाएगी? पॉन्ड इकोसिस्टम में। रिवर के पास कोई जगह है, वहां पानी आया, वो जमा हो जाएगा पानी, वो बन जाएगा क्या? पॉन्ड इकोसिस्टम। इनकी जो उम्रें हैं पॉन्ड इकोसिस्टम की, ये कुछ सालों से लेकर हजारों साल तक भी हो सकती हैं। और जो पॉन्ड इकोसिस्टम है इसमें जोन्स होते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम में जोन्स होते हैं, एरिया होते हैं। कौन कौन से जोन होते हैं? एक होता है लिटोरल जोन, एक होता है लिमेटिक जोन, और एक होता है प्रोफंडल जोन। ये क्या है, इनके बारे में बात। लिटोरल जोन वो जोन है पॉन्ड का या किसी स्टैंडिंग वाटर का जो कि शेलो वाटर कंटेन करता है। शेलो वाटर मतलब उसमें ज्यादा गहरा पानी नहीं है, ज्यादा पानी नहीं है वहां, वो ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसी जगह जहां पे लाइट जा सके, जहां तक रोशनी पहुंच सके, सूरज की रोशनी, जिसकी बॉटम तक सूरज की रोशनी जा सके, उस जोन को हम लेटोरल जोन कहते हैं। जहां पे सूरज की रोशनी उसकी बॉटम तक पहुंच सके, इसको लेटोरल जोन कहते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर रूटेड प्लांट्स होते हैं। रूटेड प्लांट्स मतलब जड़ों वाले पौधे होते हैं पानी में। फिर है लिमेंटिक जोन। लिमेंटिक जोन क्या है?
ये वो जोन होता है ओपन वाटर का. ओपन वाटर मतलब ये सी का पानी, रिवर का पानी गहराई तक, जहां पे लाइट पहुंच रही है, यहां पर प्लैंकटॉन्स होते हैं. प्लैंकटॉन्स कहते हैं यूनिसेलुलर प्लांट्स को. यहाँ प्लैंकटॉन्स होते हैं, प्लैंकटॉन कहते हैं यूनिसेलुलर प्लांट्स को. फिर तीसरा जोन है प्रोफंडल जोन. ये बॉटम ऑफ वाटर को कहते हैं. ये वो जगह होती है जहां पे लाइट नहीं पहुंचती. और यहाँ पर हेटीरोट्रॉफ होते हैं, वो तमाम जानदार होते हैं जिनको लाइट की जरूरत ही नहीं है, जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट है. तो ये तीन जोन हो गए, लिटोरल, लिमेंटिक और प्रोफंडल जोन. इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स इसको कहते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं. एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं. यहां पर टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबल हैं. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है. मैक्रो की मीनिंग होते हैं लार्ज, माइक्रो की मीनिंग होते हैं स्मॉल. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर वगैरह है यहाँ अवेलेबल. इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आयरन, कॉपर, जिंक ये हैं यहाँ अवेलेबल. फिर बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं इस इकोसिस्टम के, वो कौन कौन से हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. जानदारों को कहते हैं बेटे बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें तीन चीजें आएंगी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर तो किसी भी इकोसिस्टम के हों, वो प्लांट्स ही होते हैं. हर उस जानदार को प्रोड्यूसर कहते हैं जो अपना खाना खुद बना सकता है. तो नॉर्मली या नेचुरली प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं. अब प्लांट्स जो यहाँ पाए जाते हैं पॉन्ड में, वो माइक्रोफाइट्स होते हैं या मैक्रोफाइट्स होते हैं? फाइट का मतलब होता है प्लांट, PHYTE. फाइट का मतलब होता है प्लांट. माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा, मैंने अभी भी बताया था आपको. माइक्रोफाइट्स वो सारे के सारे प्लांट्स होते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं बेसिकली, जो यहाँ पाए जाते हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं. जिनकी एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, डाई एटम, नॉस्टॉक, ये बेसिकली एल्गा हैं सारे. जबकि मैक्रोफाइट्स जो यहाँ होते हैं वो रूटेड प्लांट्स होते हैं, जड़ों वाले पौधे. और वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टोटली सबमर्ज जो पानी में डूबे हुए हैं जैसे हाइड्रिला, ट्रेपा वगैरह, और एक होते हैं पार्शली सबमर्ज. पार्शली सबमर्ज का मतलब है कि इनके लीफ फ्लावर वगैरह पानी से बाहर है, जैसे वाटर लिली, लोटस वगैरह. तो इसी पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स तीन तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी कंज्यूमर्स तो वो होते हैं जो हर्बीवोर होते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये कार्निवोर भी होते हैं और ओमनीवोर भी होते हैं. और टर्शरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो के जिनको कोई और जानवर नहीं खा पाता, ये जो है कार्निवोर होते हैं. और किसी भी इकोसिस्टम के जो डीकम्पोजर हैं वो कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई. बैक्टीरिया और फंजाई किसी भी इकोसिस्टम के बेटे डीकम्पोजर्स हैं. तो ये तो बात थी पॉन्ड इकोसिस्टम की. फिर अगर हम बात करें लाइफ इन मैरीन वाटर, मैरीन मतलब समंदरों में लाइफ, समंदरों में लाइफ की बात करें, मतलब जानदारों की बात करें, तो हमें मालूम है कि जो ओशंस हैं वो ग्रेटेस्ट रिजर्वायर हैं किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अलोंग विद इट्स न्यूट्रिएंट्स. मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट ओशंस में अवेलेबल है, सबसे ज्यादा पानी ओशंस के अंदर अवेलेबल है. ओशंस ऑलमोस्ट 70% अर्थ को कवर कर रहे हैं और 30% सिर्फ लैंड है. जो समंदर है वो 3.5% सॉल्ट कंटेन करते हैं, और समंदरों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहता है. समंदरों का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहता है. एक सी है डेड सी, वहां पे सबसे ज्यादा सॉल्ट होता है, तकरीबन 4.5 से लेके 4.7%. डेड सी, वहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है. इसके अलावा जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है, जैसे मैंने कहा ये रेड सी या डेड सी, इसमें 4.6% सॉल्ट है, यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता. इतना ज्यादा सॉल्ट है कि कोई चीज उसके अंदर जा ही नहीं सकती, पानी के अंदर डूब ही नहीं सकती. और जो बाल्टिक सी है वहां पे सबसे ज्यादा कम है सॉल्ट, 1.2% है.
एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग क्या चीज है? ये समंदरों में होता है। अपवेलिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें समंदर के सबसे नीचे का पानी जो ठंडा होता है, जहां न्यूट्रिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है, ये मूव होके सबसे ऊपर आ जाता है, और सबसे ऊपर का पानी मूव होके सबसे नीचे चला जाता है। मतलब नीचे वाला पानी ऊपर वाले को रिप्लेस कर रहा है, ऊपर वाला पानी नीचे वाले को रिप्लेस कर रहा है। ये जो काम हुआ ये बाय द एक्शन ऑफ विंड, हवा जो है की वजह से हो रहा है ये काम, जो सरफेस वाटर को मूव करा के लेके जाती है नीचे, और नीचे वाले पानी को मूव करा के लेके आती है ऊपर। इस प्रोसेस को कहते हैं आप अपवेलिंग, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है पानी का। और ये काम दिन में एक दफा हो जाता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टली भी समंदरों को बांटा जा सकता है दो रीजन्स में, एक को कहते हैं नेरेटिक रीजन, एक को कहते हैं ओशनिक रीजन। और वर्टिकली भी समंदरों को बांटा जा सकता है तीन जोन्स में, एक को कहते हैं यूफोटिक जोन, एक को कहते हैं एफोटिक जोन, या बेथाइल जोन, और एक होता है एबिसाइल जोन। ये जो वर्टिकली डिवाइडेड हैं तीन जोन, यूफोटिक, बेथाइल और एबिसाइल। यूफोटिक का मतलब होता है वो जगह जहां सनलाइट पहुंच सके, जहां लाइट पहुंच रही हो, जहां प्रोड्यूसर्स पाए जाते हो, उनको कहते हैं यूफोटिक जोन। बेथाइल जोन कौन सा होता है? ये सरफेस से शुरू होता है और 2000 मीटर तक नीचे तक, जो समंदर की सतह है ऊपर से 2000 नीचे अगर आप वर्टिकली चले जाएं, तो ये जो जोन है ये बेथाइल जोन है। ये भी डिवाइडेड है बेथाइल जोन दो हिस्सों में, एक पेलाजिक और एक बेंथिक। पेलाजिक जो है वो 80 से 2000 है, और 200 से जो 2200 है वो बेंथिक है। जबकि एबिसाइल जोन जो है वो 2000 मीटर से बिलो एरिया है, जहां पे सनलाइट ही नहीं पहुंचती। ये एफोटिक जोन कहलाता है। एफोटिक मतलब वेयर लाइट डज नॉट रीच। यहाँ पे जो नॉर्मली जानदार होते हैं ना, एफोटिक जोन में जो जानदार होते हैं, ये लुमिनेसेंट ऑर्गन, ये लुमिनेसेंट ऑर्गन्स कंटेन करते हैं। लुमिनेसेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो तमाम ऑर्गन जो अंधेरे में चमकते हैं इन ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अंधेरा है कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो इनके पास ऐसे ऑर्गन होते हैं जो ग्लो कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं लुमिनेसेंट ऑर्गन, जो एबिसाइल जोन में जानदारों के पास पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था ना हॉरिजॉन्टली सी दोस्तों में डिवाइडेड है, एक नेरेटिक रीजन है और एक ओशनिक रीजन है। तो बेटे नेरेटिक रीजन कौन सा होता है? नेरेटिक रीजन उस रीजन को कहते हैं जो शेलो वाटर है, मतलब ज्यादा गहरा पानी नहीं है। ये एज पे जो साहिल समंदर है वहां से स्टार्ट हो रहा है, और उसकी गहराई 180 मीटर तक होती है नेरेटिक रीजन की। नेरेटिक जोन जो है ये सबसे प्रोडक्टिव जोन है समंदर का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं इसलिए। और ये जो रीजन है ये तीन जोन में फर्दर डिवाइडेड है नेरेटिक रीजन। एक वो जोन है जहाँ पे बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, हाई टाइडल जोन। एक वो जोन है जहाँ छोटी लहरें आती हैं, लो टाइडल जोन। और एक वो जोन है जहाँ इंटरमीडिएट जोन है, जहाँ पे ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी लहरें आती हैं। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, मतलब यूनिसेलुलर एल्गा हैं, डाई एटम्स हैं। इसके अलावा कुछ एल्गा के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्लेडोफोरा, डिक्टायोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ये पाए जाते हैं। और एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं वो श्रिम्प्स हैं, काम हैं, जू प्लैंक्टॉन, मतलब यूनिसेलुलर एनिमल्स, फिशेज हैं बहुत सारी, क्रस्टेशियंस हैं, टर्टल्स हैं, सील्स वगैरह यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो इंटरमीडिएट जोन है ना, इस इंटरमीडिएट जोन के अंदर एक जेली लाइक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसको कहते हैं एगर, AGAR, एगर। इस इंटरमीडिएट जोन में पाया जाता है वो एगर, AGAR, एगर, जो अपने आप को प्रिवेंट करता है, अपने आप को बचाता है डेसिकेशन से बाय एब्जॉर्बिंग मोर एंड मोर वाटर। एगर इज फाउंड इन इंटरमीडिएट जोन। इसके अलावा एक और रीजन है, ये तो नेरेटिक रीजन था, दूसरा रीजन कौन सा है समंदरों का? उसको कहते हैं ओशनिक रीजन। हॉरिजॉन्टली ओशनिक रीजन में दो जोन हैं, यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन। मैंने जैसे बताया यूफोटिक जोन वो जोन है जहां लाइट
आती है, यहाँ पे बहुत सारे फाइटोप्लैंकटन होंगे, यहाँ पे जानदार लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, लेकिन लाइट आती है तो फाइटोप्लैंकटन बहुत ज्यादा है, एल्गा वगैरह बहुत हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स बहुत सारे हैं। एफोटिक जोन वो है जहां लाइट ही नहीं आती, ये डार्क जोन है समंदर का, इसमें मिथाइल और एबिसाइल जोन है। मिथाइल जोन वो है जो 2000 मीटर नीचे तक का एरिया है, जो 2000 मीटर तक के नीचे का एरिया है वो मिथाइल है। यहाँ पे जो एनिमल होते हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं, फिल्टर फीडर उन एनिमल्स को कहते हैं, फिल्टर फीडर उन एनिमल्स को कहते हैं जो फिल्टर करते हैं, जो पानी में से किसी फूड कंपोनेंट को निकालते हैं और पानी को रिलीज कर देते हैं, वो पाए जाते हैं मिथाइल जोन में। जबकि एबिसाइल जोन में ये वो जोन है जहां पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का भरमार है, ये 2000 मीटर से नीचे वाला एरिया है, यहाँ प्लांट तो है ही नहीं क्योंकि लाइट नहीं पहुंचती इस तरह से, यहाँ जानदारों के रिमेन्स उनके शेल्स वगैरह डिपॉजिट हुए हुए हैं, यहाँ नॉर्मली स्केवेंजर्स होते हैं जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, स्केवेंजर्स जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, और डीकम्पोजर्स होते हैं ऐसे बैक्टीरिया फंजाई वगैरह। तो एफोटिक जोन दोस्तों में डिवाइडेड है मिथाइल और एबिसाइल, मिथाइल 2000 मीटर तक का एरिया है, 2000 से नीचे वाला एबिसाइल है। इसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है बेटे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होते हैं मतलब जमीन पे पाए जाने वाले जो इकोसिस्टम है, इनको बायोम्स भी कहते हैं आप, इनको बायोम्स भी कहते हैं या बायो जियोग्राफिकल रीजन्स भी कहते हैं। बायो जियोग्राफिकल रीजन्स का मतलब ये है कि जो अर्थ है वो बटी हुई है टुकड़ों में, कि हर टुकड़े में अलग अलग तरह का मौसम है, वहां अलग तरह के जानदार हैं मौजूद, इनको कहते हैं बायो जियोग्राफिकल रीजन्स। इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम है या फॉरेस्ट बायोम है। हमें मालूम है कि जो फॉरेस्ट है जंगल जो है ये अबाउट 35-40% है लैंड का, अर्थ का 35-40% है फॉरेस्ट। पाकिस्तान में जो है फॉरेस्ट वो सिर्फ 6% के करीब है लैंड का, और ये जो फॉरेस्ट है इनको तीन हिस्सों में बांटा हुआ है, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, और एक टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को कहते हैं जो इक्वेटोरियल रीजन पे है, इक्वेटोरियल का मतलब अर्थ के सेंटर में, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, हवा में नमी बहुत है, 80% तक नमी है हवा में, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, 200 से 400 सेंटीमीटर पर एयर होती है, और यहाँ पे जो सालाना टेम्परेचर रहता है वो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यहाँ जो टेम्परेचर रहता है साल में वो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहाँ पे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से जिनमें कार्बन है, इनऑर्गेनिक कौन है जिनमें कार्बन नहीं है। यहाँ बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इनका फ्लोरा जो है मतलब प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है यहाँ पे, और जो फॉरेस्ट है यहाँ पे जो पौधे या दरख्त है वो तीन स्टोरीज के अंदर है। तीन स्टोरीज का मतलब ये है कि एक की हाइट बिल्कुल 40 मीटर है, एक की 30 मीटर है, एक की 20 मीटर है, इस तरह से है दरख्त, और इतने घने जंगल हैं कि लाइट जो है वो जमीन तक पहुंचती नहीं है। तो जमीन पे जो पौधे उगते हैं उनको कहते हैं हाइग्रोफाइट्स। इसके अलावा कंज्यूमर्स की बात करें अगर यहां पर, तो यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो कौन है, वो जानवर हैं जो कि हर्बीवोर हैं बेसिकली, जैसे आंट्स, बीटल्स, ग्रास हॉपर, बग्स, स्पाइडर्स ये, और 85% जो है बर्ड्स के लिविंग स्पीशी वो इसी जगह पाए जाते हैं। दुनिया की 85% बर्ड्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, जो कि सीड्स को, फ्रूट्स को, या नेक्टर जो जूस होता है लीफ फ्लावर का उसको खाती हैं या सक करती हैं।
इसके अलावा सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है यहाँ पे? सेकेंडरी कंज्यूमर वो तमाम जानदार हैं जो आर्बोरियल हैं। आर्बोरियल का मतलब जो दरख्तों पे रहते हैं, जैसे मंकी वगैरह, बैट्स वगैरह। और टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन है यहाँ पे? स्नेक्स और कुछ प्रीडिएटर बर्ड्स हैं, शिकारी परिंदे हैं, जैसे ईगल वगैरह और स्नेक्स हैं यहाँ पाए जाते हैं। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात थी सारी। डीकम्पोजर तो हर इको सिस्टम के सेम होंगे, वो मैंने बता दिया। बैक्टीरिया और फंजाई, तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। दूसरा कौन सा है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जिसमें एवरग्रीन प्लांट्स हैं। एवरग्रीन प्लांट्स है मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये प्लांट जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और ये रेजिस्टेंट होते हैं, इनपे सर्दी का असर नहीं होता, ये सर्दी से अपने आप को बचा लेते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं, ज्यादा ऊंचाई पे ग्रो करते हैं। और ये जो फॉरेस्ट हैं, ये ज्यादातर पाए जाते हैं नॉर्थर्न हेमीस्फीयर पे। नॉर्थर्न हेमीस्फीयर जो अर्थ का है, मतलब नॉर्थ की साइड में जो अर्थ का आधा हिस्सा है वहां पाए जाते हैं, वहां ज्यादा होते हैं नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में एज कम्पेयर टू साउथर्न हेमीस्फीयर। मतलब अर्थ के साउथर्न हेमीस्फीयर में कम है, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में ज्यादा है, नॉर्थ में ज्यादा है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो ये है कि यहाँ पे सर्दी बहुत होती है, बर्फ भी बहुत पड़ती है। तो अगर सर्दी बहुत होगी, बर्फ बहुत पड़ेगी, तो पानी तो जम जाएगा। और अगर कहीं पानी की कमी हो, पानी की कमी का मतलब ये नहीं कि बारिशें नहीं हो रही, पानी की कमी का मतलब ये भी है कि वो बर्फ जम गई है तो अवेलेबल तो नहीं है ना वाटर। तो ये जो यहाँ पे दरख्त वगैरह उगते हैं वो उनको कहते हैं ज़ीरोफाइट। तो इन दरख्तों के जो पत्ते होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, कांटे जैसे होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है पाइन, फर, स्प्रूस वगैरह। पाकिस्तान में अच्छा कॉनिफरस फॉरेस्ट है, कागान में, सवात में, मरी में, वजीरिस्तान में। और यहाँ पे जो मेन प्लांट्स हैं वो कौन से हैं? पाइनस, ग्राडीना, सिड्रस डिओड्रा, इसके अलावा टेक्सस बकेटा, ये पौधे हैं यहाँ। इसके अलावा मॉसेस हैं, लिचिन्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। रोजिस की फैमिली को बिलोंग करने वाले पौधे हैं। यहाँ पे जो जानवर हैं हर्बीवोर और कार्निवोर। हर्बीवोर एनिमल्स कौन से हैं? शीप, बेयर, वाइल्ड गोट वगैरह। और कार्निवोरस एनिमल्स में वुल्व्स, लेपर्ड्स, लिंक्स वगैरह, ये तमाम जानवर यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, जो कागान, नारान, सवात, दीर वगैरह में है मौजूद। इसके अलावा तीसरा और आखिरी फॉरेस्ट है बेटे, टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट क्या है? ये जो टर्म है डेसीडियस, ये उन चीजों पे अप्लाई होती है, उन पौधों पे अप्लाई होती है जो पौधे अपने पत्तों को गिरा दें सर्दियों के सीजन में। ऐसे पौधों या दरख्तों को कहते हैं डेसीडियस। डेसीडियस का मतलब है वो पौधे या दरख्त जो सर्दी पड़ने पे अपने पत्तों को गिरा दें। ये वो टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, 750 से 1500 मिलीमीटर पर ईयर, बहुत ज्यादा बारिशें हो गई हैं। यहाँ पे ड्राई सीजन भी आता है, मानसून भी आती है। सेमी डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं ज्यादातर। सेमी डेसीडियस का मतलब ये है आधे गिराएंगे आधे नहीं गिराएंगे अपने पत्ते। टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, एवरेज रेनफॉल जो है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर के पास पास होगी। अच्छा, पाकिस्तान में टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट है? पाकिस्तान में जो है वो टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट कहाँ है? शोग्रान में है, नीलम वैली के अंदर है, आजाद कश्मीर में। यहाँ पे जो टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट है इसमें जो पौधे पाए जाते हैं वो पीच है, मैपल है, ओक है उसमें, जिनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा पाइनस वेलिचिनेरिया है, टेक्सस बकेटा है। और ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनकी जो जमीन होती है वहां लाइट पहुंचती है, जिसकी वजह से वो रिच होती है थोड़ी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को लेके। यहाँ इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, यहाँ बर्ड्स भी पाए जाते हैं, प्रीडेटर बर्ड्स भी पाए जाते हैं, एनिमल्स जो है उनको फीड करते हैं।
आउल, फॉक्सेस, बेयर वगैरह होते हैं यहाँ पर। तो बेटा ये सारी किसकी बात थी, ये सारी बात थी फॉरेस्ट को लेकर। ये एक इकोसिस्टम है वैसे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसकी तीन टाइप थी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। ये बायोम है एक फॉरेस्ट। उसके बाद दूसरा बायोम है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अच्छा फिर है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है ये वो इकोसिस्टम है जिसमें ओपन लैंड कम्युनिटीज हैं। ओपन लैंड कम्युनिटीज मतलब बहुत बड़ी जमीन है दूर दूर तक। यहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम होता है, मतलब हवा में नमी बहुत कम होती है। ये तकरीबन 19% अर्थ को कवर करता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ रेनफॉल जो है वो बहुत कम है, बारिशें बहुत कम होती हैं, तो जंगल वगैरह जो है वो डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि बारिशें नहीं हो रही होती। और जो बारिशें होती हैं वो कितनी होती हैं, 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर पर ईयर होती हैं। इररेगुलर रेनफॉल होती है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही। सीजनल चेंजेस बहुत तेजी से आते हैं, एकदम सर्दी एकदम गर्मी एकदम हवा तेज चलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ सनलाइट बहुत शार्प पड़ती है। एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंस मौजूद है मिट्टी में। और बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें प्रोड्यूसर जो है वो ग्रासेस हैं जो अलग अलग साइजेस की होती हैं। सीरियल क्रॉप्स ज्यादातर इन जगहों पे ग्रो करती हैं। ये जो अनाज है वो ज्यादातर इन जगहों पे ग्रो करता है, इसीलिए इन जगहों को हम ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्योंकि यहाँ ये वो जगहें होंगी जमीन की जहाँ पे फसलें काश्त होती हैं, जहाँ किसान फसलें काश्त करते हैं। यहाँ कंज्यूमर्स जो हैं वो नॉर्मली ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो ग्रेजर्स होते हैं, मतलब जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे बुफेलो, काओ और शीप वगैरह। कार्निवोरस एनिमल जो हैं यहाँ पे फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स हैं। और जो टर्शरी कंज्यूमर है, मतलब जो लार्ज कार्निवोरस हैं, उसमें कैट्स और डॉग्स की फैमिलीज होती हैं। डीकम्पोजर इस इकोसिस्टम के कौन है, बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है दूसरा। तीसरा है सवाना। सवाना, सवाना, ये जो टर्म है सवाना, ये अप्लाई होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के ऊपर। ये नॉर्थ और साउथ ऑफ एमेजॉन फॉरेस्ट को कवर करता है ये एरिया। यहाँ पे जो एबायोटिक कंपोनेंट है, यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंस होंगे। यहाँ बारिशें जो होती हैं वो 125 सेंटीमीटर पर एयर होती हैं, लेकिन ड्राई सीजन भी काफी बड़ा होता है और टेम्परेचर जो है वो पूरे साल 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो ज्यादा गर्मी नहीं होती। हाँ यहाँ आग लग जाती है अक्सर इन एरियाज में। बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे ये वो एरिया फॉरेस्ट का, ये वो एरिया है लैंड का जहाँ पे, यहाँ पे भी फॉरेस्ट डेवलप नहीं हुए, जमीन जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। हाँ यहाँ पे ग्रासेस बहुत हैं, घास हैं, और इतनी बड़ी बड़ी घास हैं जिनकी हाइट 15-15 फिट तक पहुंच जाती है, तो इनको हम एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। और ये जो जगहें हैं सवाना, यहाँ पे दरख्त हैं कहीं, फिर जमीन आ जाएगी, फिर कहीं दरख्त होंगे, फिर कहीं बहुत बड़ी सी जमीन आ जाएगी, तो काफी पैचेस के अंदर जो है वो दरख्त अवेलेबल है, एक साथ नहीं है। यहाँ जो पौधे उगते हैं या दरख्त उगते हैं उनके नाम क्या है, डेनिलिया है, ओलिवर है, एफ्रिकाना है। ये ज्यादातर वो ग्रासेस होती हैं या वो प्लांट्स होते हैं जो फायर रेजिस्टेंट होते हैं, जिनपे जो यूजुअली आराम से आग कैच नहीं करते। इसके अलावा कंज्यूमर्स की बात करें अगर, जो यहाँ पाए जाते हैं, तो कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा हर्बीवोर पाए जाते हैं सवाना में। जेब्रा, एंटीपोल, जराफ, एलिफेंट, डेयर ज्यादातर यहाँ पाए जाते हैं। और सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर में कौन है, लोइन है, लेपर्ड्स हैं, वल्चर्स वगैरह हैं। डीकम्पोजर इसके कौन होंगे, बैक्टीरिया और फंजाई। तो हमने
ये जो चैप्टर शुरू किया इसका ये पहला लेक्चर था, मैंने आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई, मैंने अपवेलिंग की डेफिनेशन बताई, उसके अलावा मैंने कहा कि जो समंदर है, मैरीन वाटर है, वो बटा हुआ है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टली दो रीजन में नेरेटिक और ओशनिक वो कौन से होते हैं वो बताए, वर्टिकली तीन होते हैं यूफोटिक, बेथाइल और एबिसाइल, उनके बारे में बात करी। उसके बाद पॉन्ड इकोसिस्टम बताया आपको डिटेल में। उसके बाद बायोम्स पे आ गए हम, तो पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड कम्युनिटीज की बात करी, और अब जो है अभी हमने बात करी सवाना की। तो यहां तक की बात करनी थी आज।